हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का खजाना। ये देखिए टेस्टी टेस्टी यमी यमी ठेचा। अब हम बोम्बिल सूखी बोम्बिल से ठेचा बना रहे हैं जो हमारे महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस है, तो ज़रूर ट्राई करें एक बार। इस तरह से धो के भिगो दिया था मैंने बोम्बिल को, उसके काफ़ी अच्छे से धोया, उसके बाद अब ये फ्राई किया। अब उसमें मिर्ची डाल रहे हैं, उसको भी फ्राई करेंगे। मिर्ची फटती है इसलिए बीच में से थोड़ा थोड़ा चीर लगा लेंगे और फिर उसके बाद में आप चाहे तो इसे कवर कर दें। पर इसमें साथ में लहसुन भी डालिए, लहसुन और मिर्ची एक साथ में अच्छे से फ्राई हो जाएगी। उसके बाद में आपको उसको थोड़ा कवर करना है। ये देखिए अब हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया भी ऑप्शनल है, अगर नहीं चाहिए तो ना डालें। ये ठेचा आप 15 से 20 दिन रख के खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता। लेकिन हाँ, एक हफ्ते के बाद इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि इसमें गार्लिक है तो थोड़ा उसका पानी के वजह से वो ख़राब हो सकता है। बस हल्का सा नमक डाला क्योंकि ये नमकीन ही होता है। थोड़ी सी और मैंने हरा धनिया यहाँ डाल दिया है, थोड़ी कम लग रही थी। धनिया का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा आता है, तो हो सके तो ज़रूर डालें। और उसको अच्छे से ऊपर नीचे हम इसे कवर करेंगे। इसे राइस के साथ, भाकरी के साथ, ओहो यम्मी लगता है, तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत कुरकुरी सी फिश हो जाती है फ्राई करने के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है इसको बनाने के लिए, तो इस तरह से बनाएं और खाएं और इसका मज़ा उठाएं। तो ये देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस उसको अलट पलट कर रहे हैं ताकि अच्छे से वो जो हरा धनिया है उसका पानी सूख जाए और वो थोड़ी सी कुरकुरी सी हो जाए, तो फिर क्या उसको जल्दी ख़राब नहीं होती। तो बस ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे खलबत्ते में डाल करके थोड़ा थोड़ा ले करके कूट लेंगे। अब ये भी आपके साइज़ के हिसाब से, अगर बड़ा साइज़ का होगा तो पूरा आ जाएगा, छोटा है तो थोड़ा थोड़ा। मेरा ये छोटा वाला खलबत्ता है, हम ये थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और डाल करके उसको कूट लेंगे। बड़ा ही मज़ा और बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए बस इसे कूटते जाएंगे और अलग एक बर्तन में निकाल देंगे। नमक पे ज़रूर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा नमक पहले ही ना डालें। अब ये देखिए रेडी हो चुका है। इस तरह से दिख रहा है ना, बड़ा यम्मी टेस्टी टेस्टी। बस ये प्लेन राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ, जो काफ़ी प्लेन हो, और रोटी के साथ, भाकरी के साथ, तो ओहो क्या यम्मी ही लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और इसका मज़ा लें, और ज़रूर अपने अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू डियर।